हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तो अपना ज़हीर अब्बास है, तुसी वेख रहे हो ज़हीर अब्बास एम डब्ल्यू चैनल। अज असी स्विट्ज़रलैंड हाँ, एक अपने भाईर नाल अपने पाकिस्तानी भाई ने जो कि स्विट्ज़रलैंड अपना बिजनेस करते हैं रेस्टोरेंट का, इन्हों को कोई सवाल पूछने की कोशिश करा कि स्विट्ज़रलैंड जिंदगी कैसी चल रही है, तो की हिसाब किताब है इतने अपना बिजनेस करने का, तो पेपर लैने का जो कोई तरीका कर है वे, या उतु बंदा अपलाई करने का पाकिस्तान तो या इंडिया तो कोई ऐसा चांस है वे, हो सकता है सू कोई इनफॉरमेशन ले जाए। अस्सलाम वालेकुम राव भाई जी। वालेकुम सलाम भाजी, की हाल चाल? ठीक हो जी, अलहमदुलिल्लाह। थैंक यू भाजी। हाँ जी, थोड़ा आन दा ते शुक्र अल्लाह पाक दा बड़ा करम है। माशाल्लाह, तो तुसी मैनू ये दसो कि किन्ना देर हो गया तुहानू स्विट्ज़रलैंड च? स्विस से तो भाजी वैसे तो पाकिस्तान निकले 2013 दे, लेकिन 6 साल दुबई हो गए, कुछ 5-6 साल इतने हो गए ने। अच्छा माशाल्लाह, तो अपना बिजनेस करदे किन्ना टाइम हो गया? ये वड्डे भाई कर रहे सी माशाल्लाह, शुरू तो ही साडा जिहड़ा ना तकरीबन बिजनेस रेस्टोरेंट का ही है, दुबई च भी है, इतने भी इसे तरह है। अच्छा, तुसी ये मैनू दसो कि शॉर्टकट विच पाकिस्तान तो अगर बंदा इत्थे अप्लाई करना होवे कोई तरीका कर है वे? तरीकाकार तो भाजी कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान बंदे बहुत गल्लां सुनांदे ने कि यूरोप भेज देंगे या स्विस भेज देंगे, तो इस तरह की इत्थे कोई गल नहीं है, क्योंकि ना स्विस अजील दे पेपर देंदी है ते ना ही ये शादी अगर करनी भी है तो वह भी हुण बहुत प्रॉब्लम बन गई। पहले नंबर पर तो कोई फैमिली नहीं मिलती, अगर मिले तो वह भी हुण इन्हां कानून कर दिता कि पहले बच्चा होएगा तो बाद च शादी होएगी। अच्छा, मतलब जो बंदा इतने पहुँच आता है कोई चांस ही नहीं पेपर का रह गया? अजील अजील कराते हैं, लेकिन यही है महीना निकल जाए, 2 निकल जाए या 3 निकल जाए, उस तो बाद भेजना ही भेजना है। कि डिपोर्ट कर देंगे? डिपोर्ट कर देने या किसी दूसरी कंट्री के फिंगर ने, जैसे कि इटली है या आस्ट्रिया या जर्मनी है, ये फिर बैक उस कंट्री से जरा ना वापस कर देने। अगर किसी कंट्री का फिंगर ना हो तो फिर कितने डिपोर्ट कर देने? पाकिस्तान ही? फिर तो जी इन्होंने बंदे को पूछना कि कितने, फिर वह इतने की अंबैसी कंटैक्ट करे कि इनू वाकई प्रॉब्लम है कोई जी, वड्डी प्रॉब्लम है जिदा कि गोरमेंटा नाल या क्रिमिनल बंदा ज़्यादा, फिर उन्होंने कुछ इतने पेपर देंगे, वह भी मुश्किल है, वरना ये पाकिस्तान डिपोर्ट करते ही करते हैं। ये करते ही करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा तरीका हो लीगल तरीके ना बंदा पाकिस्तान तो बुलाना हो, जिस तरह कोई बंदा अपना बिजनेस कर रहा है या कोई बंदा इतने सैटल है? वो इस तरह भाजी के टूरिज्म बंदा जिहड़ा 50-60 साल तो उत्ते होवे ना, वो आ सकता, लेकिन टूरिज्म है, लेकिन अगर वो आके बिजनेस करना चाहे मिनीम 3 से 4 लाख फ्रैंक जिहड़ा इन्वेस्ट करे, तो फिर उन्हें नॉर्मल पेपर मिलेंगे, फैमिली फिर भी नहीं बुला सकता, लेकिन कुछ अरसा मेहनत करके टैक्स पे करके फिर वो कुछ चांस है, इन्ने चिर बंदे दी उम्र गुजर जाती है। जाहिर है, जिन्हें 50-60 साल की उम्र, ऐसा नहीं है कि 20-25 साल का कोई अपना दोस्त भरा कजन वगैरह अप्लाई कर सको? ये स्विस चे दूसरी कंट्रियां चे हो सकता, लेकिन स्विस चे हुंदा सी पहले कि जिदा कि किसी को बुला लो कजन है या कुछ है। हाँ, अगर तुसी स्विस चे पहले सैटल हो तो अपनी फैमिली वो तुसी बुला सकते हो, जिस तरह माता जी फादर साहब ने या 12-13 साल तो छोटा सिस्टर है या भरा है जी। जी, 18 साल तो छोटा नहीं हूँ, इन्हें 12 साल का कर दे, 12 साल तो छोटा सिस्टर या भरा भी तुसी बुला सकते हो, जो कि इटली में ऐसा कानून है कि तुसी भरा नहीं बुला सकते? नहीं, इतने बुला सकते। सही है, तो इतने कोई ऐसा चांस है वे कि जो बंदा अनलीगल आ जाए तो वो कोई भी पेपर बन जाते हैं या इन्हें डिपोर्ट ही करना जैसा तुमने पहले दसिया? ये भाजी मैं तुम्हें पहले भी दसिया कि पेपर या तो वो कोई बीबी को मिल जाए तो बीबी रोक सकती है, वरना उन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अच्छा तुम ये दसो इतने एक आम मजदूर की तनखा कि तकरीबन? इतने माड़े मजदूर की जरा तनखा है नॉर्मल जी, घट तो घट असं भर सकते हैं मिनीम 3500 से 3800 तक, मतलब ये मिनीम मिनीम, अगर इस तो उत्ते ही है, वरना इस तो थले असं तनखा 100% तो नहीं भर सकते। तुहाडे कोल एक हेल्पर की तनखा दसी है कि तकरीबन 3500 यूरो है, तो एक जो प्रोफेसनल कोके तनखा हो? प्रोफेसनल कोके जो मेरा उन्होंने मैं इस टाइम जो 4800 रुपया दे रहा, प्लस खाण पीन रैश प्लस रैश हर चीज़ साड़ी है, सिर्फ उन्हें 4800 कैश लैना है। अगर वो रैश अपनी करे तो कितना खर्चा आता है? रैश वो अगर अपनी करे तो तकरीबन वो अगर रूम लेवे तो उन्होंने कुछ 700-800 या 900 रूम मिलेगा, प्लस बिल वगैरह या बिल वगैरह बेच? बिल 3 महीने का आता उन्होंने, तकरीबन 100 या 180 इन्ने का आता 3 महीने का जी, 100 180 इन्ना की। तुसी ये दसो कि अगर इतने एक नॉर्मल मजदूर जिस तरह कोई फैक्ट्री या प्रॉपर जेड़े इतने का गोरा है
जी वो जी प्रॉपर किसी कंपनी च काम कर रहा है स्विट्जरलैंड च, जी जी ते ओदी पे जिहड़ी कित्थों शुरू होंदी है या ओदे वास्ते भी यही प्रोसीजर है? नहीं उसके वास्ते भाजी इदा कि फैब्रिक जी इतने अपने है ने दो चार जाने वाले वो लगे हुए ने, वो महीने हफ्ते च करते ने 5 दिन काम करते ने, ते सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करते ने, ते उन्हां दी तनख्वाह जी 4200 तो स्टार्ट होंदी है। उस तो बाद जी जिहड़ा अवर टाइम लाते ने वो उन्हां दा लैदा है, ते लेकिन दो छुट्टियां उन्हां दी पक्कियां ने। अच्छा, जिहड़ा बंदा तकरीबन 4500 कमा रहा है इत्थे जी जी अपना घर रख के, एक बीवी एक बच्चे समेत, जी जी उहनूं कोई पैसे बच जाते हैं अपनी सेविंग वास्ते या उहदा सारा खर्चा हो जाता है? कि जिस तरह इत्थे हर चीज़ ही बहुत महंगी है। इत्थे भाजी इस तरह कि अगर ते पहले नंबर ते बीवी है ते उहनूं भी काम करना पैना है गवर्नमेंट दा ला, क्योंकि नॉर्मल इत्थे ना जे अगर वो नहीं करना चाहती फिर भी करे या? ओदा, अगर इस तरह नहीं करना चाहते जिस तरह कि तुसी कॉन्टैक्ट किसी को भरा के घर रख लो लेकिन टैक्स देंदे रहो, वो तुसी अपनी जेबी तो जेब चो देना ना, वरना स्विस से कानून से ये नहीं कह सकते कि असी काम नहीं कर सकते। मतलब काम तुसी करना ही करना है, हाँ ना जी चाहते बीवी हो नहीं है, जो करना, चाहे बंदा है बीवी है हाँ या चाहे। डॉक्टर लिख के देवे कि उन्होंने प्रॉब्लम है या डॉक्टर लिख के देवे कि प्रैगनेंट है, तो फिर वो गवर्नमेंट वो हेल्प करेगी, वरना अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर वो वास्ते काम लाजम है। अगर एक बंदा 4500 यूरो कमा रहा, 4500 फ्रेंक सॉरी हाँ कमा जी रहा है, ते वो अपनी बीवी नाल एक बच्चे नाल उन्हों काम नहीं करा रहा, उसका टैक्स भी भर रहा, तो मेरे ख्याल में फिर उन्हों कुछ भी नहीं बचता होना। क्योंकि वह अगर किराया ला लो नॉर्मल 1200 किराया चल जाना घर का, 300 300 करंकन खासा जी इंश्योरेंस है जी हम इटली से पता नहीं की कहें जी महीने की पे करी दी है, उस तो बाद होर खर्चे बड़े ने घर के, तो तकरीबन फिर भी अगर वो बीवी नहीं काम कर रही तो लेकिन सेविंग करने तो आए बंदा तो कर सकता, लेकिन मेरे हिसाब न तो मुश्किल मुश्किल है। है, बहुत मुश्किल है। मतलब हाँ जी इत्थे दी अगर तनखावां ज़्यादा ने तो लाइफ भी उन्नी मतलब महंगी बिल्कुल है। बिल्कुल जी तुहाडे कोल एक बंदा खाण आउंदा नॉर्मली, जो एक नॉर्मल तुहाडे कोल जिहड़ा बंदा खाण दा बहुत हाई लैवल ते भी नहीं ते बिल्कुल ही एक चीज़ लै के नहीं, वो जी जी किन्ने पैसे देंदा एक टाइम दे? वो अगर नॉर्मल खाना खाए तो ड्रिंक करे ना तो मिनिमम 60 तो 70 एरो दिंदा है। 60 तो 70 फ्रेंक इतने जिस हाँ तरह जी चलते हैं फ्रेंक वो दिंदा है। देता है, जिस तरह के निस्बत इटली अगर नॉर्मल कोई 6 7 यूरो भी खा सकता है। नहीं 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 इतने नहीं भाजी इतने किराए मकाना दे हर एक जगह पर बराबर ने या शहर पर डिपेंड है, या सब तो महंगा मतलब किड़ा इलाका है उसका की किराया है, तो जो सस्ता है ये उसका की है? इतने भाजी ये बील है, इतने थोड़े जे नशेई ने जिते के होंगे ने नॉर्मल, बाकी ज्यूरिख लजरन जाओ तो बहुत महंगा है, बाकी ज्यूरिख तो अगर तुसी जिस तरह पिंड टाइप लाए करोगे वो किराए थोड़े ज़्यादा ने, शहर से छोटिया छोटे घर ने तो थोड़ा किराया घट है, लेकिन जिस तरह बाहर निकलते हैं अपन जिस तरह अपने पिंड ने विले टाइप बने ने उन्होंने किराए ज़्यादा ने। अच्छा, तो जड़ा शहर में एक नॉर्मल छोटा घर है ज्यूरिख में उसका की किराया होना है? वह मिनिमम 1200 1300 तो 1400 तक है। 1300 से 1400 हाँ जी तक, जो जिस मेरा तरह अपना घर है ज्यूरिख के तकरीबन 2800 रुपया जड़ा ना 3 कमरों का पे कर रहे हैं। अच्छा 2800 कर रहे हाँ हो, जी माशाल्लाह। सिर्फ रेंट रेंट जी, बिजली तो लैदा दूसरे कम लैदा जिंदगी बहुत महंगी है। जिस तरह तुसी आए बिल्कुल हुण नशियां दी गल कीती है कि जेड़ा तुहाडा शहर इत्थे ज्यादा नशेई ने, जी जी इत्थे नशेई चोरी चकारी कोई जुर्म कोई सिस्टम? नहीं भाजी इतने कोई नशाई चोरी नहीं करता, इतने उन्होंने बकायदा उन्होंने स्कूल जहा बनाया है कि उत्थे उन्होंने नशा फ्री मिलता है कि चोरी ना करन, उन्होंने कार्ड बने ने इतने नाल ही वो जाते ने जिन्ना उन्होंने नशा चाहिए वो लेंदे ने, नशा पाउडर अल्कोहल नहीं ये तो नॉर्मल इन्हों आम शाप दुकाना तो भी मिलती है, लेकिन जोड़ा दूसरा पाउडर है या जो होर शह पीते ने वो इन्हों का एक स्कूल बनया है उत्थे उन्होंने फ्री मिलती है हर शह। मतलब इतने जुर्म की शरह की है कि बिल्कुल घाटे, या कभी सुनया है कि नहीं किसी की भाजी लड़ाई हो गई है किसी ने चोरी कर ली है? चोरी अगले दिन इतने हुई सी लेकिन रात न पुलिस फिर दी इतने भी, लेकिन वैसे हजी नहीं असी नहीं अजे तक देखा कि कोई इतने बंदा चोरी करता या कुछ उठाता, लेकिन बहुत घट है, अगर करे तो फिर कानून के जो दे सजा है उन्होंने मिलती और गैर मुल्की नूं गोरा किस नज़र नाल वेखदा स्विट्जरलैंड दा? इतने सारे के जेडे ना हकूक इको जे ने, कोई किसी नहीं वो करता कि वह पाकिस्तानी है कुछ, सिर्फ इतने देखा जाता कम दे किहड़ा बंदा किन्ना काम कर रहा है तो उसकी काम के हिसाब नाल की वैल्यू है। अच्छा, ते इत्थे अपने पाकिस्तानी जेड़े ने कितने होण दे तकरीबन पूरे स्विट्जरलैंड च तुहाडे ख्याल नाल? ये बारे च वैसे मैनू इन्ना कन्फर्म नहीं पता, अज तो साल 2 साल पहले पता चलिया सी कि
कि 5 के 6 हज़ार बंदा ना पाकिस्तानी है, लेकिन ज्यूरिख से ज़्यादा है ने फैमलियाँ पुराने बंदे ने वो बल बेहतर जानते हैं, लेकिन सानू इन्ना का पता चलिया कि 5 तो 6 हज़ार ने, लेकिन उन्होंने भी कुछ कई कई सलूक है कई नहीं है, असं तो दुआ करा अल्लाह हर एक हदायत दे। अच्छा अगर यूरोप के पक्के पेपर मतलब इटली दे या किसी भी होर मुल्क दे पुर्तगाल वगैरह दे पक्के पेपर हो बंदे को बंदा इतने आके उन्होंने चेंज कराना चाहे तो वह कोई तरीका घर आए या बिल्कुल नहीं? वह भाजी यही तरीका है, अगर तो अपनी कंपनी है तो तुम कम की परमिशन लै सकते हो, पेपर चेंज होने वाला वो काम झूठा है, अगर पासपोर्ट है तो वो तुहाडा चेंज हो जाएगा 5 साल का, तुहानू फिर इतने कार्ड मिलेगा, लेकिन उस कार्ड मिलन दे नाल ये भी उन्हें पेपर से सहन कराने ने कि 5 साल तुसी गवर्नमेंट से नहीं जा सकते, मतलब तुसी सोशल सिस्टम जिहड़ा है गवर्नमेंट कोल करके देना क्योंकि तुसी पासपोर्ट दे रहे हो कि मेरे को नैशनैलिटी है तो मैं कर सकता, तद तुहाडे पेपर इस बेस से चेंज हो रहे हैं ते नाले तुहानू इत्थे घर लेना पेगा, काम जिदे कोल तुसीं करना काम दा एग्रीमेंट लेना पेगा पक्का कि ये बंदा मैनू इन्ने साल वास्ते काम दे रहा, फिर पेपर चेंज होणगे। लेकिन जिस टाइम उहदे पेपर चेंज हो जाण दे पासपोर्ट उहनू इत्थे स्विट्ज़रलैंड दा लभ जाए तां फिर गवर्नमेंट की हेल्प करेगी उहदी? पासपोर्ट नहीं मिलेगा, पासपोर्ट 10 तो 12 साल बाद मिलेगा। अगर 15 साल भी बवे तो गवर्नमेंट उहदी की हेल्प करेगी अगर 15 साल बाद भी मिल जाए? वो मेरे हिसाब नाल तो कोई हेल्प नहीं करेगी क्योंकि जिन्ना उन्हें टैक्स पे करना वो उस हिसाब नाल ही हेल्प होनी है। जो कहते हैं कि सुशाल तो चली जाती है दुनिया मतलब दूसर बेनीफिट ज़्यादा दूसर मुल्कों में किसी ने वो भाजी इस तरह कि वो सुशाल तो भी उन्होंने ज़्यादा मिलती है ना, अगर तुम कम किया तो टैक्स पे किया तो तद ही मिलनी है ना, अगर तुम कम ही नहीं करना तो फिर वह टैक्स तो नहीं मिलेगा। दूसरे मुल्क जिस तरह इंग्लैंड वगैरह या जर्मन वगैरह तुम्हारी फैमिली को कम नहीं आया थोड़ी काफ़ी हेल्प करते हैं तो वो अगर जिस तरह के सिंगल मदर ने सुने कि उत्थे बहुत ज़्यादा मतलब एप्रीशिएट किया जाता है कि 1500 तक कोई चांस है ना? इतने मेरे हिसाब नाल तो कोई नहीं, इतने साडे बजुर्ग ने 60 साल तो जिहड़े उत्ते होए ने उन्होंने पेंशन मिली है, पेंशन कासा जिस तरह अपने फौजियों नूं मिलता उन्होंने पेंशन कासा मिलिया किसी का जिन्ना भी 1-2 3 ने, उस तो बाद उन्हां दी पेंशन कासे के हिसाब नाल या जो जॉब करते या टैक्स पे करते उन्होंने महीने का जिहड़ा 2700-2800-3000 तक करना सही है। तो अगर इतने अपने किसी भी यूरोप किसी भी मुल्क दे सिर्फ नॉर्मल कागज़ हो बेशक पक्के पासवर्ड ना हो अपना बिजनेस कोई करना चाहे तो कर सकता है? जी बिल्कुल बिजनेस कर सकता, लेकिन उन्हें काम की इजाजत नहीं होएगी जदों तक वो अपने बुक हालतर तुहाडे इटली से पता नहीं उन्होंने की कहिंदे ने जिहड़ा मुंशी होंदा जिस तरह वो परमिशन पावर वाला होवे परमिशन लैके दे बिजनेस कर सकता बंदे रख सकता, कल्ले पासपोर्ट से भी वो अपना बिजनेस इतने कर सकता लेकिन काम की उन्होंने परमिशन नहीं होएगी। एक रेस्टोरेंट बनाने वास्ते जिन्ने का तुहाडे कोल रेस्टोरेंट है वैला ते तकरीबन किन्ने के पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए है? ये तुसीं देख ही लिया रेस्टोरेंट, ये मैनू अज भी यदा अलहमदुल्ला 2.5 लाख रुपया मिलता। ये तो मिलता है क्योंकि इन्हें तुसीं रन कर रहे हो माशाला चल रहा है, लेकिन इनू बनाने दे की खर्चा है नवी दुकान पैर इतने भाजी अगर नवी दुकान बनाने ना तो वो वास्ते पहले तो डिपेंड करता लोकेशन की है, ठीक है, उस तो बाद डिपेंड करता कि तुसीं किस चीज़ की बना रहे हो, दुरम कबाब तो इतने हर बंदे ने ही बनाया, इंडियन इतने जड़े ने 6 तो 7 ने पूरे बील दे विच, वैसे इतने पूरे बील च अगर रेस्टोरेंट देखा जाए तो 200 तो उत्ते तो किन्ना खर्चा तो किन्ना जिस तरह बंद लैके तेन चला रहा? मैं एडा 7 साल बंद सी, 7 साल तो बाद असी ओपन किया, जिहड़ा भी इहनू देखदा सी उह कहिंदा सी नहीं, लेकिन असी मेहनत की अलहमदुल्ला 1.5 साल हो गया तो शुक्र अल्लाह का साडा इहदे ते तकरीबन रुपया 90,000 लग गया सी, 90,000 लग गया सी सही है। तो इहदे विच इक एवरेज कढ़ी जाए अपना बिजनेस एक 90,000 फ्रैंक ला के या 1 लाख फ्रैंक ला के अपना कोई बिजनेस कर रहा है तो तकरीबन की एवरेज बच जाती है? ये भाजी पहले सर्दियों से साडा काम माशाला अच्छा है, तकरीबन रुपया असी 70-80 हज़ार रुपया महीने का कढ़ते हैं, लेकिन गर्मिया ने हूँ 40,000-45,000 लख कर रहा है तो तकरीबन 30-35-20 बच जाता 30-35 हज़ार भी। माशाला जी बहुत अच्छा लगे भाई यार ने बहुत अच्छी इनफॉरमेशन दीतियां ने कि जिस जिस तरह इतने आना ही नामुमकिन है, बहुत ही नामुमकिन जिन्ना ही है लेकिन मुश्किल इन्ना कि नामुमकिन कह सकते हो, इतने आके पेपर लेने भी नामुमकिन ही समझो क्योंकि उन्हें डिपोर्ट ही करना है, हर लिहाज जो भी तरीके लाओ जिनी देर तक इतने रह सकते हो रहो उन्हें तो डिपोर्ट ही करना है,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਯਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਸਵਿਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸਾਥ।